मैं आज अपने साथियों को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जिंदगी कितनी संघर्ष से गुजरी, क्योंकि जब मैंने जन्म लिया था 1949 में तो विकलांग लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। उस समय पारिवारिक वातावरण कुछ ऐसा होता था, क्योंकि हर परिवार में 3-4 बच्चे होते थे, तो ये सोचा जाता था कि समाज भी इन भावनाओं से चलता था कि विकलांग शायद परिवार को नहीं चला पाएंगे या परिवार की सहायता नहीं कर पाए। एक बड़ा अजीबोगरीब माहौल था, और पता नहीं कैसे मेरे अंदर संघर्ष करने की भावना थी। मैं एमए एलएलबी कर गया, और जहाँ भी जाता था इंटरव्यू में मुझे सेलेक्ट तो कर लिया जाता था, मैं रिटर्न टेस्ट में पास तो हो जाता था, पर एक ऐसा वातावरण था कि जब वो देखते थे कि ये दोनों टांगों से विकलांग है तो वो हिचकिचाते थे। एक बार मुझे याद है, मैं इंडियन बैंक में जब सेलेक्ट हुआ तो उन्होंने देखा यार ये लेजर कैसे उठाएगा, ये मैनुअल काम होता था उस समय, ये कैसे करेगा, कर नहीं पाएगा। तो मैंने भी अपील की, नहीं मानेंगे। उसके बाद तो मैं कई जगह अपॉइंट हो गया, मैं शायद आरबीआई का एग्जाम भी पास कर गया, मैं इंडियन ओवरसीज का भी कर गया, फरीदाबाद कॉरपोरेशन का भी कर गया, पर मेरे अंदर एक संघर्ष की भावना ने जन्म ले लिया। बहुत अच्छा, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी रहा, फिर मैं उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2-3 साल में, 34 साल में बैंक में रहा। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, आप समझते हैं कि वो वातावरण बिना प्रिविलेज के अपने अधिकारों को मांगना, अपने अधिकारों पर स्वयं रहना कोई आसान काम नहीं था। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टाइम था, कई जगह संघर्ष हुआ, कई जगह मतलब चाह, और 34 साल एक ही जगह के ऊपर बैठे रहना भी एक बड़ी अनोखी बात थी। बैंक में संघर्ष भी चलता रहा, फिर मेरी वाइफ भी सिविल हॉस्पिटल में आई जहाँ मेरा विवाह हुआ, वहाँ भी संघर्ष था, कोई प्रिविलेज नहीं थी, वहाँ तो गवर्नमेंट ने सी प्रमोशन तक रोक दी, मेरी प्रमोशन तक रुकी। मैं मैनेजर के रैंक से रिटायर नहीं होता, मैं बहुत बड़े सीनियर मैनेजर या आरएम के पद से रिटायर होता, ये मैंने एक बार अदालत में भी बताया था जो विकलांग जनों की अदालत होती है। प्रमोशन नहीं मिली, 14 साल तक मुझे एक ही सीट पर रखा गया, इसलिए कि मैं विकलांग हूँ, मैं आगे जा सकता था, बहुत आगे निकाले। खैर यानी हो, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि हमने कानून को कैसे बनाया, विकलांग कानून को कैसे हमने संघर्ष किया और उस संघर्ष को हमने आगे आगे लेके गए, आगे पहुँचाने की कोशिश की और हमने पहुँचाया। ये कोई आसान काम नहीं था, ये इंटरनेशनल उससे आया था कि हर देश में विकलांग कानून होना चाहिए। हमने ये शायद 90-91 में ये संघर्ष शुरू कर दिया था। कई बार दिल्ली में हम पार्लियामेंट के सामने, प्रधानमंत्री की कोठी के सामने जलूस जलसे निकाले। मेन उसके अंदर हम 5 लोग थे, शायद आप जानते होंगे मिस्टर रुंगटा, और उसके बाद रुंगटा या एक शर्मा थे डीप एंड हम से, एक मैडम अडवाणी थी जो दिल्ली हैंडीकैप्ट की फेडरेशन की प्रेसिडेंट थी, एक मैं था जो इंडियन हैंडीकैप्ट वेलफेयर एसोसिएशन चला रहा था, और एक मिस्टर कोल थे जो ब्लाइंड एसोसिएशन के थे। काफी हमने निकाले, और उन दिनों का मैं आपको संघर्ष की एक कहानी बताऊं। एक सारे तो मुझे संघर्षों की याद नहीं है, एक संघर्ष जब हम कर रहे थे तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, पार्लियामेंट चल रही थी, अंदर बारिश में हम विकलांग लोग भीग रहे थे, और उस समय मुझे याद आया पुलिस का शायद SHO से पार्लियामेंट की साइड का हरिहरकरण था जो रोक रहा था विकलांगों को, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, बहुत कुछ उसमें सो। उसमें एक जगह हमने देखा कि छुटपुट लाठी चार्ज हुआ और पुलिस की गाड़ियां या दूसरी गाड़ियां
उनको बिठा के पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ाई। मेहरे को एक चीज याद है कि जब मैं जब छोड़ के आए तो ना मेरे पास स्टिक थी, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मेरे पास गाड़ी थी। आप उस समय का इमेजिन करिए, हालात क्या हुई होंगी, दिमाग में क्या सोचा होगा, क्या मुझे किसी से भीख मांगनी पड़ेगी, क्या किसी से मुझे कहना पड़ेगा यार मुझे उठा दो या मुझे मेरी जगह पे ले जाओ। अच्छा, उस समय हमने जैसा भी किया ये हमें पता है। फिर एक डिमॉन्स्ट्रेशन में हमें बहुत ज्यादा मतलब कि सहना पड़ा। उसके अंदर क्या, हमने देखा कि अंदर बैठे पार्लियामेंट में ये लोग मौज कर रहे हैं और हम बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, बारिश भी आ रही है, धूल भी उड़ रही है। तो उस समय मुझे याद है कि 3 MP उठ के बाहर आए हमारी डिमांड को सुनने के लिए। शायद उसमें एक सुभाषिनी नाम की महिला थी जो आई, उसके बाद 2 का मुझे नाम याद नहीं है। उसके बाद हमारे अंदर एक रोष जागा गया, हमारी न्यूज नहीं की दी जाती, कहीं पे भी हमारी न्यूज नहीं आती, हम इतनी मुश्किल से आते हैं और उस न्यूज का कहीं जिक्र ही नहीं होता, बहुत मुश्किल था। खैर नहीं, वो हमने जुगाड़बाजी की, BBC की न्यूज में भी हमारे लोगों की संस्थाओं नाम आए। हमने जाके दूरदर्शन केंद्र के बाहर एक बड़ा धरना दिया, न्यूज क्यों नहीं दी जाती, बहुत उसके गेट के हमें रोक दिया गया। कई डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई एक डिमॉन्स्ट्रेशन से नहीं है, कहा 94 और 95 के अंदर हमने 5 मेंबर कमेटी बनाई, जो गवर्नमेंट ने मिस्टर रुंगटा को ऑफर किया था कि आप हमें सुझाव ला के दीजिए। दिल्ली हैंडीकैप फेडरेशन की कहानी मैं अगले एक एपिसोड में आपको बताऊंगा कैसे हमने बनाई थी, तानसेन मार्ग के ऊपर। इसको भी हम 5-6 बंदे बनाने वाले थे, मैं बताऊंगा आगे। कई एपिसोड हैं, हजारों चीजें मेरे पास हैं, अगर ये एपिसोड मेरे चलते रहे तो मैं आपको सारी जिंदगी की कहानियां बताऊंगा कैसे हम संघर्ष करते रहे। वहां हम संघर्ष में उनके कानों तक जूं तो रहेगी, कई अखबारों में हमारा नाम आना शुरू हुआ। हमने कमेटी जब बनाई तो हमारी मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग जो थी ये सुझाव देने की या कानून के आर्टिकल बनाने की, ये हमारी मीटिंग हुई तानसेन मार्ग हैंडीकैप फेडरेशन में। 5 संस्थाओं के मेंबर वहां पे थे, मिस्टर रुंगटा उसका नेतृत्व कर रहे थे, मैं यानी प्रवीण बहल और मिस्टर शर्मा डीफ एंड डम के, मैडम आडवाणी जो उस समय दिल्ली हैंडीकैप फेडरेशन की प्रेसिडेंट थी, या मिस्टर कोल, सबने हमने मिलकर एक ड्राफ्टिंग करी जो गवर्नमेंट, उसी के आधार पे कानून पास हुआ था, उसी के आधार पे ये हमारी 5 मेंबर कमेटी ने जो किया था। अब एक एक संघर्ष की कहानी को कितना हमने सहा, हमारे दिलों में कितना दर्द होता था कि हमें नौकरी मिल गई है तो लोग कहते थे तुम आराम से जियो यार, तुम बैंक में लगे हुए हो, तुम क्यों उतने संघर्षों में पड़ रहे हो। पर उस समय एक ही सोच हमारे दिल में थी, देखिए क्या सोच थी, हम 2 साल की उम्र या 2.5 साल की उम्र तक फर्स्ट क्लास दौड़ रहे थे, बड़े खूबसूरत आदमी थे, और लोग बाग वो हमारी माँ कहती थी कि किसी की नजर ना लग जाए, दौड़ते भागते थे, पोलियो हमारी टांगे ले गया। हमने सोचा कि 2 साल की उम्र में हमने कोई गुनाह नहीं किया हुआ, किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया हुआ, हमने कोई पाप नहीं किया हुआ, तो ये हमारी अगर टांगे खुदा ने छीनी है, वो कुछ हमसे मांग रहा है, कुछ हमसे कह रहा है। तो हमने कहा हम जिंदगी भर विकलांग कल्याण के लिए लड़ेंगे, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, बहुत ज्यादा लड़ेंगे हम। इसमें 95 के अंदर सक्सेस हो गए, पर दुशांत नहीं थे, कुछ नहीं मिला विकलांग लोगों को, कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनमें एकता नहीं थी। क्यों? वो इकट्ठे बैठ के सोच नहीं पा रहे थे, जगह जगह संस्थाएं बनने लगे। जब देखा कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार राजनेता विकलांगों की संस्थाओं को, जो खेलों की संस्थाओं को छीनने की कोशिश में लगे और कामयाब भी हुए, मैं बताऊंगा अपने एपिसोड में। यहां मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लिए कानून बनाने की प्रतिक्रिया की। कानून बन गए, हर डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटियां बनेंगी। अरे कमेटियों के अंदर जो मैं इतना काम कर रहा था, गुड़गांव की कमेटी में मुझे नहीं लिया गया, उन लोगों को लिया गया जो उनकी हाँ में हाँ बोली जाए, ऐसे लोग आ गया है। राजनीतिक करण हो गया हमारे,
जो स्टेट में कमिश्नर बनने लगा विकलांग जन का, वो मुख्यमंत्री की पसंद का होता था। अब एक बारी तो मैंने देखा, एक बार मुझे स्टेट अवार्ड मिल रहा था, तो ऐसा कमिश्नर था जिसके बोलते हुए भी हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा यार तुम एक काम करो, कोठे पे खड़े होकर बोला करो, अकेले में शायद तुम्हारे को बोलना आ जाए। इस किस्म की प्रतिक्रियाएं देख के बड़ा अफसोस आज भी होता और कल भी होता। आज मैंने विकलांग जन पे आपको कुछ बताया, हो सके तो मैं आपको कई चीजों को मैं नोट करके या बताऊंगा सच्चाई के साथ कि कैसी जिंदगी हमने काटी घर से, परिवार से, समाज से, सबसे। वो जिंदगी का हल कहीं का ना कहीं थोड़ा बहुत तो हुआ है, पर जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो बहुत एक अच्छा वातावरण मिलता है हेल्प करने का भी। हमने विकलांगों से कहा था, विकलांगों को भीख नहीं सहयोग चाहिए। अगर कोई आदमी उनकी हेल्प करता है तो सहयोग से करें, ना कि भीख की नियत से करें, ना कि दया की नियत से करें। बहुत जगह हमने संघर्ष किया, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आज से रूप इतना ही काफी है। अगर आप चाहेंगे इसका रिस्पांस दीजिए मुझे, तो मैं आपको वो जिंदगी बताऊंगा और उसकी खुशहाली के भी बताऊंगा कि अधिकार कैसे लिए जा सकते हैं। और अधिकार लेने के लिए हमारी कई योजनाएं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बना रही है, हम इनको सहयोग करें और मिलकर हम संस्थाओं को सीमित कर दें। एक एक संख्या 11 बंदों से संस्थाएं बन गई, एक डिस्ट्रिक्ट में 10 संस्थाएं हैं। कोई क्या चला रहा है, कोई क्या चला रहा है। स्कूलों में ये संस्थाएं हो गई, 15 अगस्त में जो बैसाखियां बांटी जाती है किसी नेता के थ्रू बांटी जाती है। मैं कहता हूँ कि मैंने रेड क्रॉस के काम को भाला, जब हम भेजते हैं किसी विकलांग को उसके अधिकार लेने के लिए, उसको कुछ देने के लिए, क्योंकि ये संस्था है, फंड हमारे से आगे कहेंगे नहीं जी हम 15 अगस्त को देंगे, 26 जनवरी को देंगे, जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर या वो आएगा। इससे पहले मैंने कहा इससे पहले क्या करेगा वो, अभी 6 महीने हैं उसको, 6 महीने तक वो जमीन पे रेड़ता रहेगा। मैंने एक क्वेश्चन किया बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से, मिनिस्टरों से, आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको फ्रूट दवाइयों के ऊपर खर्च करते हैं ना, तो इस देश में 4-5 करोड़ विकलांग लोग हैं, हम भीख नहीं ले रहे, हम अपनी नागरिकता का हक मांग रहे हैं, सिर्फ हक मांग रहे हैं। आप उनकी सहायता कर रहे हैं तो उनका हक दे रहे हैं। आप ये समझिए कि एक परिवार का हो जाए तो उसको छोड़ दिया जाए, इसको कोई दवाई नहीं देंगे, फ्रूट नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे पारिवारिक समझौते में या पारिवारिक फीलिंग नहीं है। मैं गवर्नमेंट से हमेशा ये पूछता आया हूँ कि भाई जो कुछ भी है हमें मॉडर्न भिखारी मत बनाइए। मॉडर्न भिखारी यानी कि जो 26 जनवरियों के ऊपर प्रदर्शन करके, 15 अगस्त में प्रदर्शन करके जो आप चीजें देते हैं वो एक भीख के रूप में देते हैं कि आप दया कर रहे हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मारुति कार वालों के साथ मैं कैसे लड़ा। उन्होंने एक ये निकाल दिया था कि हम समाज के प्रति बहुत वफादार हैं, इसीलिए हम अपनी वफादारी के कारण, जबकि कार दे रहे हैं कम से कम 50-60 हजार रुपया ज्यादा लेके, भाई तुम किस बात का, कार की पूरी कीमत, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे, उसके ऊपर हम भी। जब कार के ऊपर मैं चढ़ के चला, चलने लगा, कुछ लोगों ने कहा देखा ये विकलांग आदमी है फ्री में गाड़ियां ले रहा है। अरे भैया मैंने ऑर्डिनरी आदमी सामान्य व्यक्ति से भी ज्यादा पैसे दिए और फिर मुझे ये सुनने को मिले। बड़ी रंजिश आती थी, बहुत रंजिश आती थी। अपने आप को संभालना पड़ता था, अपने आप को मनाना पड़ता था। आज वो युग नहीं है कि आप अपने आप को मनाते रहे, आज टाइम बदल रहा है। विकलांगों को पूरा अधिकार चाहिए, उनको पूरी हर जगह अपनी, जो रिजर्वेशन अगर देश में चल रही है तो रिजर्वेशन भी चाहिए, उनके हकों के लिए हर आदमी एकता के रूप में आगे आना चाहिए। यह एक व्यक्ति या एक संस्था या एक संघ की ड्यूटी नहीं है, ये सब की ड्यूटी है, हर व्यक्ति की ड्यूटी है। हर व्यक्ति इसको अपना ये माने कि मैंने कुछ करना है इस जिंदगी में और करके दिखाना है अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए। जो समाज से छोड़े, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ अपंग कहता था, नाम बदल गया विकलांग हो गया, आज कोई और नाम हो गया, क्या मैं ठीक हो गया, क्या मुझे हक मिल गए,
क्या मेरी जिंदगी इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर भी रह के फिर भी समाज वहीं का वहीं वहीं समझता है, रिश्ते वहीं समझते हैं, समाज वहीं समझता है। कैसी भावना है, हर काम विकलांग कर सकता अगर उनको स्टेज मिल जाए तो, फिर ये भावना क्यों ऐसी चल रही है? इस भावना को बदलना चाहता हूँ। मैंने पहले भी अभियान चलाया था कि विकलांगों को राष्ट्रभाषा के साथ जोड़े। बहुत जगह मैंने देखा न्योता आ गया जी, बैंक मैनेजर है, आज शादी पे, जब शादी पे चले गए थोड़े थोड़े दूर हटने शुरू हो गए और विकलांग व्यक्ति कहाँ पे आ गया। ये आज से 25 साल पहले की बात है, कई जगह बहुत इज्जत मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें सारी सामाजिक भावनाओं को बदलना भी होगा। और अंत में मैं आपसे एक और कहूँगा, मैं सामाजिक भावनाओं के ऊपर बड़ी कविताएं लिखता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ अब इस बुढ़ापे में, क्योंकि मैंने 40 साल विकलांगों की सेवा की और इन 40 साल के अंदर बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ गवाया, बहुत कुछ सीखा। तो मैं कविता आप सबसे अनुरोध भी करूँगा कि आप मेरी कविताओं को सब्सक्राइब करिए, कुछ रंग जिंदगी के परवीन बहल के साथ, कुछ रंग जिंदगी के परवीन बहल के साथ यूट्यूब पर देखें और उसको प्रोत्साहित करें। या जनरल आदमी एक छोटी सी एक पिक्चर छोड़ देता है, या अमीर आदमी या नामी आदमी एक छोटी सी पिक्चर छोड़ देता है और उसके एकदम से 4000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं। मैं 6 महीने से लगाऊं विकलांग, मैंने कम से कम 2000 विकलांगों के लिए काम किया होगा, मेरे 136-140 से ऊपर नहीं जाते। क्या विकलांगों के अंदर भी भावना ऐसी है? क्यों ऐसी नैरो भावना लेके चल रहे हैं? ये नैरोइज्म हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। मैं उन लोगों को कहता हूँ, अरे भैया अभी 3-4 दिन पहले मैंने 3-4 लोगों से किया, अच्छा कुछ काम था, उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद उसने सब्सक्राइब हटा लिया। क्या है, कमाल है, मतलब ये सारी ये एकता की कमी है, ये हमारी आपस की कमी है। हटाने वाले भी देखो क्या सोच के हटाते हैं, ये समझ नहीं आई मैंने। खैर एनी हो, मैं आपसे अनुरोध के साथ आज 17 मिनट के स्पीच के बाद अपना बंद कर रहा हूँ। शुक्रिया अदा कर रहा हूँ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का भी, अध्यक्ष जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला, उसके लिए उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। पर धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि मेरे पास सिस्टम की कमी है। मैं आपको कम से कम 100 या 100 उन चीजों के मैं एपिसोड दूंगा जो मेरे साथ बीती, जो हमने संघर्ष किया, जो हमारी अपनी चीजें थी। मैं चाहूंगा कि आप उनको समझें, देखें, तो जिंदगी को बदलें, सुख में बनाएं, समाज को सुधारें और समाज एक आपको उच्च स्थान दे। जहां आपको लगता है कि स्थान नहीं मिल रहा, वहां आप संघर्ष भी करें सम्मान की तरह। धन्यवाद।